पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं प्रोनाउंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझिए कि प्रोनाउंस आखिर होता क्या है। प्रोनाउंस वर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसमें दो पार्ट उसे बांटा जा सकता है प्रोनाउन वर्ड को, जैसे कि प्रो और सेकेंड होता है नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है नेम। कहने का मतलब ये है कि जब कोई नाउन के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसी को हम प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है, जैसे कि कह सकते हैं कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस, या अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोनाउन वो होता है जिसका यूज़ नाउन के जगह पर उसका यूज़ किया जाता है। दूसरे की बात किया जाए तो जब अगर प्रोनाउंस की बात मैं करूं, प्रो मतलब फॉर और नाउन मतलब नेम, कहने का मतलब ये है कि जब नाउन के लिए जो कोई शब्द यूज़ किया जाता है उसी को प्रोनाउंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी कभी एक ही पैराग्राफ में बार बार नाउन का जब आप अगर यूज़ करते हैं तो सेंटेंस पढ़ने में बार बार अजीब लगता है, उसी को कहते हैं अवकवर्डनेस, बोले तो बेढंगापन। बार बार जब नाउंस एक ही पैराग्राफ बार 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 अगर आता दिखता है सेम नाउंस तो बड़ा अटपटा दिखता है, इसलिए इसका यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस की जब मैं चर्चा करूँ तो प्रोनाउंस के काइंड्स की जब मैं बात करूँ तो इसको जनरली 8 या 9 की बात आती है, लेकिन अगर ढंग से अगर देखा जाए तो इसकी स्टैंडर्ड लेवल पे तो इसको 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के रूप में इसे बांटा जा सकता है। प्रोनाउंस की काइंड्स कितने हो गए? 11। जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट हो गया पर्सनल प्रोनाउंस, सेकेंड हो गया पोजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फोर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, सिक्स हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सेवन हो गया एम्फैटिक और इम्फेसिसिंग प्रोनाउंस, एट हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउंस, नाइन हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस, 10 हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और 11th हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अभी जब मैं बात करूँ तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करेंगे, इससे पहले एक और बात आप समझ लें कि यही पर्सनल प्रोनाउंस को मेनली हम 3 पर्सन में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। जहाँ तक की बात करूँ सेकेंड पर्सन कौन होता है? जिससे कि आप बात करते हैं। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो उसमें आई और वी आता है, उसी को ऑब्जेक्ट के रूप में जब अगर जाऊंगा पर्सनल प्रोनाउंस में उसके ऑब्जेक्टिव केस भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी सारे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सारे वर्ड्स उसी पर्सनल प्रोनाउंस में भी आ जाते हैं। तो जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है, वी का ऑब्जेक्ट अस बनता है, उसी प्रकार सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में देखा जाए तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही बनता है। थर्ड पर्सन में ही सी, ईट, और जब उसी को जब ही का जब ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हिम बनेगा, सी को जब अगर लाएंगे तो हर बनेगा, और ही सी इट, इट का इट ही रह जाता है, और दे की मैं बात करूँ तो दे का देम बन जाता है। उसी रूप में जब अगर बात करूँ कि प्रोनाउंस की जब बात करनी चाहिए तो प्रोनाउंस में सेम जेंडर और उसके नंबर नाउन के सेम रह जाते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और एक प्रोनाउन जो होता है तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि उसका यूज़ कब होना चाहिए, तो जब नाउन द नाउन हैज़ बीन यूज्ड बिफोर इट, क्योंकि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बात करूँ कि मैरीज टॉल, सी कैन रीच द टॉप ऑफ द सेल्फ, सेम वही वाली बातें आ गई कि मैरी क्या है, लंबी है, सी कैन रीच द टॉप ऑफ द सेल्फ, क्योंकि वह पहुँच सकती है कहाँ, सेल्फ के सबसे ऊपर तक पहुँच सकती है। तो यहाँ सी वर्ड किसके लिए आया? मैरी के लिए आया। क्लियर? तो जब मैं बात करूं कि अब क्वेश्चन नंबर 1 की, शीला इज टॉलर देन मी, शीला जो है वो क्या है, मेरे से लंबी है, इसलिए हम मी लगाएं। आई हैव 3 नेबर्स, दे ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ नेबर्स वर्ड आ गया तो इसीलिए यहाँ दे का यूज करना पड़ा, क्योंकि नेबर्स प्लुरल है इसलिए यहाँ दे वर्ड लगा। कहता है कि मेरे पास कितने नेबर्स हैं? 3 पड़ोसी हैं, जो कि और जो कि सारे वो जो पड़ोसी लोग हैं वो सारे अच्छे दोस्त हैं। जॉन्ट यू रिमेंबर मी, आई एम योर चाइल्डहुड फ्रेंड, क्या तुम मुझे याद नहीं करते, क्योंकि तो मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। यहाँ मी लगाएं और यहाँ आई लगाएं, क्योंकि याद रहे हमेशा पर्सनल प्रोनाउंस ही केवल यूज़ करने हैं।
क्योंकि इसमें कहा भी गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस और दूसरे की बात करा जाए तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, जब अगर केस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस रूप में इसको हम रखते हैं। सीमा एंड सॉरी इज दैट यू हाइडिंग बिहाइंड दैट काउच, यू कम आउट राइट नाउ। अब यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें उस काउच के पीछे छुपा रहा है, जैसे कि यहाँ सोफ़ा है, काउच मतलब सोफ़ा होता है, और यू कम आउट राइट नाउ, चलो तुम जल्दी बाहर, अभी अभी तुरंत बाहर आओ। सीमा एंड रिमी गेट गुड मार्क्स, सीमा एंड रिमी अच्छी मार्क्स पाती है, दिस इज बिकॉज दे वर्क हार्ड, क्योंकि यह इसलिए क्योंकि वो दोनों जो लड़की है सीमा एंड रिमी, वो दोनों क्या है, तो दोनों वर्क हार्ड करती है, काम बहुत ही हार्ड करती है वो। एंड एडलमैंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, वाइट जॉन्च डैश कल्टिवेटर हॉपी। अब यहाँ कहता है क्या, यहाँ एंड एडलमैंड इज द डेविल्स वर्कशॉप है, तो यहाँ ये जो एक प्रकार का प्रोवर्ब है जिसको आप कहावत कहते हैं, कहता है खाली दिमाग शैतान की अड्डा, नहीं जो खाली दिमाग कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, सही वाला ये प्रोवर्ब है, कहावत है। तो ये कहता है कि व्हाई डोंट यू कल्टिवेट योर हॉबी, आप क्यों इसमें एक हॉबी उत्पन्न क्यों नहीं करते। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि यहाँ यू वर्ड लगाएं, माई टीचर इज मिस्टर दास, जो टीचर है वो कौन है, मिस्टर दास हैं, और ही टीचेज अस साइंस, कि वह हम लोग को क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो ही लगा दिए। आई लव राइप एंड जूसी मैंगोज, दे आर द बेस्ट फूड ऑन अ हॉट डे, कहता है क्या कि मैं पका और जूसी जो मैंगोज होते हैं मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दे आर द बेस्ट फूड ऑन अ हॉट डे, क्योंकि वे जो होते हैं कौन, राइप एंड जूसी मैंगोज, वे सबसे अच्छे भोजन के रूप में माना जाता है, किस दिन के लिए, तो गर्मी के दिनों के लिए। अब मैं जस्ट इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब मैं देखूँ तो यह दिया है, अ डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल, बट दे बोथ बिलोंग टू द कैनाइन फैमिली। एक डॉग जो होता है वो एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, ए फॉक्स जो होता है वो एक वाइल्ड एनिमल बोलते जंगली जानवर होता है, लेकिन दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों कैनाइन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। मार्गरेट थैचर वॉज नोन एज द आयरन लेडी इन इंग्लैंड, कहते हैं मार्गरेट थैचर जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे, तो आयरन लेडी के रूप में, कहाँ, इंग्लैंड में। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि वह जो थी वो पहला इंग्लैंड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, वो बोले तो प्रधानमंत्री थी, तो यहाँ सी वर्ड लगाएं। अब मैं बी नंबर की ओर चलूँ, बी नंबर में कहता है कि रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विद प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस, कहता है क्या कि जहाँ जो नाउन्स दिए गए हैं अंडरलाइन नाउन्स के जगह पर आपको प्रोनाउंस को रिप्लेस करना है, उसी जगह पुनः लिखने हैं और सेंटेंस को पुनः लिखना है। जैसे आई लव बनानास, बनानास ग्रोइंग बंचेज, अभी आप देखते हैं कि आई लव बनानास यहाँ तो सही है, अब बनानास को बार बार लिखने में नहीं अच्छा लगता है, तो इसके बनानास के लिए पुलडल है, तो इसके लिए यहाँ देवर्ड लगा दिया गया। कहते हैं माई पेट कैट इज मिसिंग, हैव यू सीन माई कैट, कि मेरे पेट जो कैट है वो क्या है, तो खोई हुई है, तो हैव यू सीन माई कैट, क्या आपने मेरे कैट को देखा है। तो यहाँ जो देखते हैं, यहाँ माई पेट कैट के लिए यहाँ कौन सा वर्ड लगा दिया, माई कैट के लिए इट वर्ड लगा दिया। तो पुनः जब सेंटेंस आप नया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, कि माई पेट कैट इज मिसिंग, हैव यू सीन इट, क्लियर, इस रूप से आप लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है, इसी सेंटेंस को पुनः फिर हैव यू सीन माई कैट के जगह पर केवल इट लगा देना है, सेंटेंस फिर नया बन जाएगा। हीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, एवरी वन सेज दैट हीना गॉसिप्स मच, हीना जो है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, प्रत्येक लोग कहते हैं कि हीना बहुत ज़्यादा ही बात करती है, बोले तो क्या हीना के लिए कौन सा वर्ड लगा देंगे, सी, ठीक है। तो यहाँ नया वर्ड जब लिखेंगे सेंटेंस के रूप में तो क्या लिखेंगे, हीना इज माई बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप, एवरी वन सेज दैट सी गॉसिप्स मच, केवल हीना को हटा के सी लगा देंगे, फिर नया सेंटेंस लिखा हुआ आपका तैयार हो जाएगा। दैट डॉग इज़ वेरी अनफ्रेंडली एंड स्नैपी, वह जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा ही अनफ्रेंडली है, देखा जाए तो गैर मिलनसार है, एंड स्नैपी है, बोले तो चिड़चिड़ा है। दैट डॉग बिलोंग्स टू माई नेबर,
अगर देखा जाए जो जो कुत्ता है वो कुत्ता मेरे पड़ोसी का है। तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ दैट डॉग के लिए हम ईट वर्ड लगा देंगे, क्योंकि यही अंडरलाइन किया गया है, तो उसे ईट लगा देंगे और ये पूर्ण रूप में मेरा सही हो जाएगा। तो अभी जब देखे तो मुझे ये पता चला कि दैट डॉग इज़ वेरी अनफ्रेंडली एंड स्नैपी, ईट बिलोंग्स टू माई नेबर। तो आप नया सेंटेंस आपका बन जाएगा, जहाँ जहाँ मैं ब्लू पेन से लिखा हूँ केवल उसी को लिख कर आप नया सेंटेंस बना सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलम्बस वॉज एन एक्सप्लोरर। जो क्रिस्टोफर कोलम्बस थे वो क्या थे, तो एक एक्सप्लोरर थे, देखा जाए तो अन्वेषक थे। एक्सप्लोरर की हिंदी अन्वेषक होता है। कोलम्बस डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। कोलम्बस ने क्या किया कि नई दुनिया की खोज किया। तो यहाँ कोलम्बस के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, ही, और पुनः नया सेंटेंस जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रिस्टोफर कोलम्बस वॉज एन एक्सप्लोरर, ही डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। कहता है जून ऑफ आर्क वॉज अ पीजेंट सोल्जर, जून ऑफ आर्क फॉट द एनिमी सिंगल हैंडेडली। कहता है कि जून ऑफ आर्क, अभी जून ऑफ आर्क कौन है, तो एक लेडी है, जहाँ तक की बात करूँ तो इसे नेशनल हीरोइन ऑफ फ्रांस के नाम से इनको जानते हैं। तो जब बात करूँ कि वे कौन थे, तो एक पीजेंट सोल्जर थे वो, और जून ऑफ आर्क ने क्या की, तो पूरे युद्ध में अपने दुश्मनों के साथ सिंगल हैंडेडली लड़ी। तो यहाँ इसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, सी, क्लियर। चलिए लेडी थी तो लेडी के लिए सी लगाएंगे। तो कहते हैं द चिल्ड्रेन वेंट फॉर एन आउटिंग। कहते हैं चिल्ड्रेन कहाँ गए, तो सैर करने के लिए गए। आउटिंग मतलब सैर होता है। द चिल्ड्रेन एंजॉयड प्लेइंग इन द पूल। अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये एंजॉयड है। तो कहता है कि द चिल्ड्रेन कहाँ गए, सैर के लिए, और तो द चिल्ड्रेन के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, प्रोनाउन के रूप में दे। तो दे एंजॉयड प्लेइंग इन द पूल। वो लोगों ने क्या किया कि खूब इंजॉय किया, कहाँ, खेल कर, कहाँ, पूल में। बराक ओबामा इज एन एफ्रो अमेरिकन। बराक ओबामा है वो कौन है, तो एक एफ्रो अमेरिकन है। तो बराक ओबामा वॉज री इलेक्टेड इन 2012। बराक ओबामा को पुनः फिर चुना गया, कब, तो 2012 में। तो अब यहाँ बराक ओबामा बार बार वर्ड आ रहा है, तो इसको, इससे बचने के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसे बचने के लिए मुझे ही वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ जब नया सेंटेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बराक ओबामा इज एन एफ्रो अमेरिकन फुल स्टॉप, ही वॉज री इलेक्टेड इन 2012। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्लासिक्स की जो गुड ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं प्रोनाउन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ए और बी की चर्चा किया, साथ साथ में मैं प्रोनाउंस के को डिफाइन भी किया, प्रोनाउंस के काइंड्स की भी मैंने कुछ चर्चा किया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।